भाई हो क्या रहा भाई, मेरे को समझ में तो आया ये चल क्या रहा है, मैं मर रहा हूँ कौन मर रहा है भाई, हो क्या रहा है ये। ओ भाई हो गया ओ मैं भी मर गया, वेरी गुड। ओ भाई इसके एनिमेशन तो धांसू थे भाई, ओ भाई ओ खतरनाक लग रहा है भाई ये। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आर्क प्राइमल फियर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है गाइस। हाँ मैं थोड़ा सा तब ऐसे अपने लुक दे रहा था, मेरे वक्त मजा आता है गाइस। और जैसा कि गाइस हमने पहले बोला था आपसे, मतलब आपने ज्यादा तो कमेंट देखो मेरे को आज पता नहीं क्यों नहीं दिए, आई डोंट नो गाइस। मतलब वो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे, ऐसा नहीं कि आपने कमेंट नहीं किया, मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे आपने उसका आंसर नहीं किया, आई डोंट नो क्यों नहीं किया, बट आप किया करो गाइस यार, मतलब बता दिया करो, थोड़ी हेल्प होती है। तो मतलब मैंने पूछा था कि मैं डिमोनिक किसे करूं, मतलब डिमोनिक जो था ना मेरे पास एक क्रीचर, मतलब मेरे पास एक डिसेंडर पड़ा हुआ था, तो मैंने पूछा था कि मैं डिसेंड किसे करूं, कि फॉलन किसे बनाऊं। तो मेरे पास एक पैरासोर, मेरे पास सिर्फ एक ही कमेंट आया था इससे रिलेटेड कि भाई पैरासोर को डिसेंड करो, तो मैं इसी को डिसेंड फिर करने वाला हूं। और मेरे पास एक रिक्वेस्ट और आई थी कि पैरासोर को टेम करो, तो यार ऑलरेडी मेरे पास एक पैरासोर है भाई, पैरासोर क्यों ही टेम करना है। वैसे डिमोनिक देखो आप, अगर आप देख रहे हो तो मेरे पास ऑलरेडी है एक डिमोनिक पैरासोर। अगर आपने वाला एपिसोड नहीं देखा है गाइस तो एक बार आप जाकर देख लो, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड था गाइस। और गाइस सीरियसली आप मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हो, मतलब मैं कितनी ही बार बोलूं भाई थैंकफुल रहूं भाई, कमी पड़ता है गाइस। तो या लाइक तो चलो हम फिर इसे करते हैं भाई डिसेंड। ओके तो मैं चलो अपना डिसेंडर जल्दी से लेके आता हूँ और हम इसे करने वाले हैं गाइस डिसेंड जितना हो सके जल्दी से जल्दी। और फिर पता है फिर हम करेंगे आज अपने बॉसेस से फाइट। देखो मैंने ये स्पॉन कर लिए, मतलब ये बना लिए मैंने स्पॉनर, ये एक ये पकड़ गला है मेरे पास पिकॉन द क्रिएटर और एक ये पड़ा है। तो इसके बाद फिर मैं वो वाला जो बॉस था ना हमारा, जो सेकेंड लास्ट बॉस है जो हमारा, कौन सा पता नहीं वो कौन सा तो भी क्लॉसेस है, वो लास्ट क्लॉसेस है, उसके बाद फिर रिवेंजर आएगा पिकॉन द रिवेंजर बस गाइस। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम गाइस उससे भी फिर भाई फाइट करने वाले, तो भाई कुछ भी हो सकता है गाइस। चलो भैया इससे हम शेडल ले लें क्योंकि शेडल हम बार बार नहीं पहना सकते हैं, इसके पास और कुछ काम का। तो गाइस हम एपिसोड ही स्टार्ट कर रहे हैं गाइस डिसेंड करने से, तो हम अपने पैरासोर को करने वाले हैं गाइस डिसेंड और देखते हैं गाइस कि क्या इसका सीन आने वाला है डिसेंड होने के बाद। डिसेंड आई नो यू भाई, डिसेंड पैरासोर, डिसेंड पैरासोर। ओ भाई क्या जंप मारी है यार, सही है भाई सही है। ओ कितना गोल्डन गोल्डन लग रहा है ना, एकदम अलग ही लगते हैं यार ये फॉलन क्रीचर भाई, इसको शैडल बनाते देखो मजा आ रहा है वैसे, कितना सही लग रहा है ना, मतलब ये देखो आप जरा। अरे रुको 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 भैया रुको रुको, तुम्हें कहीं नहीं जाना, ये देखो गाइस कितना सही लग रहा है ना, एकदम गोल्डन कलर का भाई, क्या सही लग रहा है एकदम, ऐसा लग रहा है जैसे गोल्ड का हो पूरा, मतलब गोल्ड का, मतलब आग वाला भी कोई सीन, बस इसकी पूंछ से लग रहा है अभी तो, ऐसा लग रहा है जैसे लिक्विड गोल्ड का बना हुआ हो, मतलब बहुत ही ज्यादा सुनहरा है एक्चुअली। हाँ अब देखो इसकी पावर वावर देखनी है कि भाई ये क्या पावर वावर क्रिएट करता होगा, लाइक मजा आएगा गाइस। ओ उड़ गया, ये भी उड़ता है हमारा, ओ भाई ये भी उड़ रहा है, यहाँ कार्नो है, वैसे तो मैं इस कार्नो की भी पेटी बना सकता हूँ। 7 मिलियन का डैमेज दे रहा है भाई अब तो पैरासोर, कभी कभी किसी पैरासोर को 7 मिलियन का डैमेज देते देखा है, ग्रेट डैमेज। मैं इस पे हटे, ये पीछे पड़ गया है मेरे यार, चलो हटो। ओ ये क्या था, ओ ये क्या चीज है, अबे ये क्या नया नाटक है भाई, ये कौन किया भैया, ये किसने कर दिया, मैं तो चल ही नहीं पा रहा, ये हुआ क्या, कौन बावरा हो गया यहाँ पर। तो भाई पता नहीं क्या, अपने अपने सीन चलते रहते हैं भाई। प्राइमल वाला, चलो इससे ही लड़ाई करते हैं गाइस, हम क्या बोलते हो, सबसे पहले हम प्राइमल वाले से भाई फाइट करते हैं और देखते हैं भाई कि क्या सीन है इसका। चलो इसी से करते हैं फाइट, पावर अप होके। ए प्राइमल तुम मरोगे आज हमसे, ये लो प्राइमल तुम्हारी कहानी बना दी हमने, तुम भी मरोगे, तुम कैसे बचोगे। इधर इस इनकी भी पेटी बनाऊंगा मैं आज, इनकी भी पेटी बनाएंगे हम। ये सही लगता है मेरे को इसका अटैक भाई, धुआं 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 धुआं, आग 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 भाई, सही है। ओ भाई चलते हैं ऐसे, पेड़ वेड़ पत्थर वत्थर सब तोड़ता चला जाता है भाई, देखो ये देखो धू भाई, क्या सही है यार, सही है। मैं इसको यही छोड़ देता हूँ और हम जरा लेके आते हैं अपने बंदे को, मतलब कि जो हमारा फेवरेट वाला क्रीचर है थॉर न्यू ड्रैगन, वो भी डिमोनिक वाला, मतलब वो तो आपको पता ही है गाइस कितना ओपी है वो, मतलब मजा आ जाता है गाइस जब भी मैं उसे यूज करता हूँ ना भाई, अलग टाइप का सेटिस्फेक्शन मिलता है गाइस। और जिसको भी वो थॉर न्यू ड्रैगन पसंद हो ना, ये वाला हमारा भाई, एक बार लाइक ठोक देना यार, मतलब मजा आ जाता है गाइस सीरियसली। वो भाई उड़ गया, देखो देखो ये तो भाई उड़ता ही है, ये तो चलता है ही नहीं, ये देखो वो उड़ता है भाई, वो दीवार पे चढ़ जाएगा क्या यार,
वो बच गया बच गया। मुझे लगा दीवार पे चुनेगा भाई आज तो कुछ अलग ही सीन हो जाते फिर। चलो अब मैंने इसे थॉर्नी ड्रैगन के पीछे लगा दिया और अब हम यहाँ पर दोनों को स्पॉन करेंगे, लाइक दोनों को। ओके तो अब हम यहाँ पर स्पॉन करने वाले हैं अपना बंदा भाई। ई नहीं, मेरे को ई दबाने की एक बहुत गंदी आदत जो हमेशा रही है। मैं नहीं सुधरूंगा गाइस यार, मैं नहीं सुधरने वाला, ठीक है। तो इसको भी करो स्पॉन और इसको भी करो स्पॉन, ठीक है। ओ भाई ओ ये क्या हो गया यार, मुझे लगता है मैं लेट हो गया शायद भाई किसी चीज में। तो ओ भाई ओ क्या हो रहा है ये, ओ भाई क्या हो क्या रहा है ये भाई, हो क्या रहा है भाई, मेरे को समझ में तो आया ये चल क्या रहा है, मैं मर रहा हूँ कौन मर रहा है भाई, हो क्या रहा है ये, हो क्या रहा है महाराज भाई, हो क्या रहा है ये, वो ये कौन सा एनिमेशन है भाई, खत्म क्या सब, अब ये क्या हुआ, और वो जो मेरा ऊपर घूम रहा था वो आया कि नहीं, मैं ये क्या हुआ, वो रहा वो तो अभी हमने किया ही नहीं। ओ भाई ये तो अभी बचा है, और गाइस मैंने अपनी जो डिफिकल्टी वो 15 से बढ़ा के 20 कर ली है, तो या अब हम 20 लेवल के, मतलब ये 160 लेवल का है अगर आप देखो तो, मतलब हाँ अब थोड़े से हाई लेवल आ रहे हैं भाई। वो उसको क्या हो गया वहां पे, ओ भाई वो क्या है, वो मेरे डायनो ना मर जाए उससे यार, मेरे को ये सबसे ज्यादा डरावना लगता है भाई, क्योंकि इसके पता नहीं कौन कौन से अजीब अजीब टाइप के अटैक रहते हैं यार। ओ भाई हो गया, ओ मैं भी मर गया, वेरी गुड। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया ये चीज कि ये मुझे मार कैसे देता है गाइस, मतलब कैसे आखिर कैसे। और गाइस देखो हम कितने टेक्नोलॉजी में आगे हैं, और भाई अभी भी हमको सड़े हुए भाई ट्रेडिशनल बेड लगा के बैठे भाई, सही बता रहा हूँ मैं, मुझसे ज्यादा नूब इस मामले में कोई नहीं होगा भाई, मैंने अपग्रेड ही नहीं किया अपना यार कुछ भी, बस मैं तो क्रीसेस को पकड़ने में लगा हूँ। तो मतलब टेक रेप्लिकेटर है हमारे पास, और बेड कौन सा है भाई, वो थैच वाला बेड, मतलब सीरियसली। चलो खैर हमारे पास दोनों सोल आ गई है, मैं अपने दोनों डायनो को ले आता हूँ वापस अगर बचे हुए हो तो, वैसे तो बचे ही होंगे। मेरे पास बहुत सारे नोवा द डिस्ट्रॉयर वगैरह, बहुत सारे अंडे वंडे पड़े हैं, बहुत कुछ है अभी मेरे पास, वो बचे होंगे ना, किधर है वो यार, दिखाई नहीं दे रहा अभी तक। अब मैं काम करूंगा ये डिमोनिक की टीम अपनी अलग ही रखूंगा, मतलब हाँ थोड़ा सा फायदा रहेगा हमें। आ रहा है ना वो मेरे पीछे दादा, नहीं आएगा, नूब है वो, नूब इधर आ जाओ। अच्छा मैं ये गेट खोलना भूल गया भाई, आ जाओ नूब, यहाँ आ जाओ, नीचे कौन गया वो, इधर आओ तुम, मैं इसको गलत लेके आया हूँ, मैं अभी इसको यहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि हमें सबसे पहले वो ये क्या चीज है ऊपर, वो ड्रैगन, इसको तो हमने यूज ही नहीं किया। ओके फाइन, ना मतलब इतने सारे डायनोज हो गए ना गाइस कि हम यूज ही नहीं करते डायनोज को सीरियसली, मतलब कितना अजीब है। वैसे हम इसे भी असेंड कर सकते हैं, ये काफी अच्छा लगेगा ये फेरॉक्स। हाँ गाइस अब मेरे पास जो असेंडेंट है ना, मैं इसको अभी करूंगा, मतलब इसको असेंड करूंगा, ठीक है, कर ही लेते हैं ना फिर, अगर मेरे पास पड़े ही हुआ है तो मैं इसको असेंड कर लेता हूँ गाइस ये फेरॉक्स को, ये कुछ अच्छा लग रहा है ना, मतलब हाँ फेरॉक्स को असेंड कर लेते हैं, हमारे पास एक असेंडेंट है ना तो हम इसी को कर लेते हैं फेरॉक्स को, अभी हमने जस्ट मारा है ना तो एक तो असेंडेंट मिला ही होगा हमें, ये रहा हमारा। तो चलो इसके पास तो कोई सैडल है भी नहीं, ऐसे इसको सीधा असेंड कर देते, मुझे कुछ नहीं चाहिए इसके बाद, तू सब रख ले, तू सब खा जा मेरे हिसाब से, मेरे को कोई लेना देना नहीं है इससे। बट हम इसकी असेंड होते तो देखना चाहते हैं भाई, इसके जो एनिमेशन होते हैं बड़े गजब लगते हैं। डाइनो गाइस तो हम इस फेरॉक्स को करने वाले हैं असेंडेंट, ओके, वैसे मैंने सोचा नहीं था बट इसको असेंड, ओ भाई इसके एनिमेशन तो दास होते भाई, ओ भाई ओके तू भाई क्या लग रहा है यार, ये लग रहा है भाई सही, ये भाई बहुत सही लग रहा है यार, कितना बड़ा हो गया यार ये, बहुत डरावना भी लग रहा है इवन यार, सही है भाई सही है भाई, ये कितना सही लग रहा है यार भाई, उछकता भी कितना सही है यार, ये मतलब गजब लगता है भाई, गजब लगता है ये भैया। नहीं कहाँ, ओ ये यही, इसको हम यही रखेंगे क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है, ट्रॉफी की तरह है हमारे भाई। तो चलो हमने एक तो असेंड कर लिया, और डिसेंट के लिए गाइस आप मुझे फिर से एक बार कमेंट कर देना तो मैं देखूंगा कि डिसेंट किसको करना है। तो अब मैं सबसे पहले तो उसको बना लेता हूँ अपने लिए, जो भी हमें चाहिए था, लाइक हमें क्या चाहिए था, अब मेरे पास सारा सामान होना तो चाहिए वैसे, अगर नहीं हुआ तो फिर देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ये सोल और एक डी, ओके तो गाइस अब हम इसको बना सकते हैं लगभग, ये भी डाल ही देते हैं इसमें, तो गाइस अब हम इसको बना सकते हैं। अब मेरे पास ओरिजिन ब्लड भी था यार, ओरिजिन ब्लड, अच्छा इसने ले लिया होगा, तो अब हम इसे बना सकते हैं, जल्दी से इसे बना लेते हैं एक, और ये हमारा रेडी हो रहा है, ये कॉस्टिक वाला बॉस है, बस इसके बाद जस्ट हम फिर इसे बना सकते हैं, ये हमारे पास अब सब कुछ हो जाएगा, बस एक ही कमी थी हमारे पास, और
बस इसके बाद फिर हम इसे करेंगे भाई पिकॉन द रिवेंज यार। आई थिंक शायद हम इसे टेम कर पाएंगे गाइस, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं इसे टेम कर पाऊं, बट क्या कर सकते हैं। देखो मेरे पास डिस्ट्रॉयर सोल नहीं है सिर्फ एक, बस उसके अलावा मेरे पास सब कुछ है, मतलब सब कुछ है। अगर मैं चाहूंगा तो इसको आज ही स्पॉन करा सकते हैं हम गाइस, क्या बोलते हो गाइस? चलो हम इसे लेके चलने वाले हैं। मेरे को इसका फॉलो बंद कराना पड़ेगा गाइस, बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है वो। ओ भाई उड़ ले तू, तू उड़ ले भाई, तू उड़ ले, इरिटेटिंग पर्सन। आजा आजा मेरे मेरे भाई, आजा 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 आजा, चल आजा। यहाँ पर हम डिस्ट्रॉयर को मतलब उसको समन कर रहे हैं, आजा क्लॉसेस को समन करने वाले हैं गाइस। हमारा लास्ट क्लॉसेस है, इसके बाद सारा सारी कहानी खत्म होगी। मतलब मतलब ओ भाई कहाँ जा रहे हैं मेरे कांटे, कहाँ फट रहे हैं भाई, ये कौन सा सीन है? चलो गाइस तो हम जल्दी से अपने आप को करते हैं पावर अप और फटाक से हम वो भाई उसको करते हैं स्पॉन। गाइस वो बहुत खतरनाक फाइट हो सकती है, आई डोंट नो, बट अबे नहीं यार मेरे को ये ई क्यों दब जाता है भाई। चलो अब यहाँ पर करते हैं इसको स्पॉन गाइस। ओके तो ये स्पॉन हो गया और ये आ गया भाई, कितना खतरनाक लग रहा है भाई ये। ये मेरे को लगता है बेहोश बेहोश कर सकता है मेरे को, मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में। तो भाई ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये, मुझे नहीं पता ये क्या कर रहा है, पर बहुत कुछ कर रहा है भाई, बहुत कुछ कर रहा है यहाँ, कुछ कुछ तो भी हो रहा है। वैसे मेरी हेल्थ उतनी जा नहीं रही है, आई डोंट नो क्यों, बट मेरे डेमोनिक की हेल्थ थोड़ी थोड़ी जा रही है। खत्म हो जाएगा ये, उतना टफ नहीं है, मतलब मैंने सोचा था भाई ये टफ होगा, पर इलेक्ट्रिक वाला मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा टफ था। ये तो खत्म हो जाएगा मेरा, मतलब वही मार रहा है इसको तो बहुत गंदे तरीके से। ये लो खत्म 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 गाइस, खत्म खत्म। ओके तो हमारे पैरासोर ने ऑलमोस्ट हमारी बहुत मदद की। ओके ये कुछ मिला है हमें, ये क्या है, ये क्या चीज है भाई, तो भी मिला है हमें, पर है क्या ये पता नहीं, जो भी है पर हमें कुछ तो भी मिला है, अजीब सा था वो, जो भी था हमें कुछ तो मिला है उससे, पता नहीं क्या था। बस हमें गाइस एक रिवेंजर को और हराना है, तो हमारे लगभग सारे बॉसेस हो जाएंगे, लगभग क्या मतलब सारे बॉस हो ही जाएंगे लाइक या। तो अभी तो मैं खैर हराना वराना छोड़ता हूँ, क्योंकि अब हमारे पास काफी कुछ हरा डाला है हमने, और एक साथ इतने सारे बॉसेस से फाइट करना सही भी नहीं है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जब गाइस सारे बॉसेस को हरा लेंगे ना, उसके बाद फिर हम ऐसे लड़ाया करेंगे, मतलब एक तरफ मेरी सेना दूसरी तरफ मतलब कुछ ज्यादा बहुत सारी क्लॉसेस वगैरह, समझ लो ना एकदम हद से ज्यादा चीजें, मतलब एक साइड और एक साइड मतलब मेरे सारे डायनो। तो इस तरीके से हम कुछ कुछ अलग करेंगे, कुछ हटके भाई, ठीक है। और मैं अपनी जो सेटिंग्स होंगी ना, मतलब अभी तो फिर भी 20 पे, फिर मैं 50 के भी ऊपर कर दूंगा, मतलब एकदम अल्टीमेट डायनोज आएंगे। हो सकता है मेरे भी मर जाए, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमने रिवेंजर हरा लिया, तो वैसे तो देखा जाए तो हमारा ऑलमोस्ट जो हमारा ये जो प्राइमल फियर है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि मतलब इसका जो मेन बॉस है वो वही है पिकॉन द क्रिएटर। तो लाइक अगर भाई ये क्या बावरा हो गया क्या, ठीक इसे क्या हो गया भाई, क्या क्या हो गया, पागल हो गया क्या भैया? ओ सुनो तो, ओ भैया वो कहाँ जा रहे हो, ओ भैया तो सुन ही नहीं रहा भाई, ओ भाई बावरा हो गया है क्या, अब क्या हो गया इसे। चलो आके अब जाके रोका भाई पागल कहीं का, मैं इसको अनफॉलो कराने वाला हूँ, इसलिए तो बहुत ज्यादा हेडिक दे रहा है ये मेरे को, तो ज्यादा ही दे रहा है भाई अब तो। एक तो भाई इनको मेरी पता नहीं दीवाल की भाई क्या क्या ऐसी इनको पड़ी रहती भाई, सारे ऐसी दीवाल में घुसे रहते हैं, पता नहीं इस खम्भे में ऐसा क्या है, आई डोंट नो। ओके गाइस तो अब हम जरा बात कर लेते हैं अपने कमेंट्स की तरफ, मतलब हाँ तो मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताता हूँ। देखो गाइस ठीक है भाई, हमें लगभग सारे लोग से मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, मतलब सभी से। लेकिन भाई कुछ मतलब कुछ लोग तो मैं उनको तो भाई स्पेशली थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आप मेरा मतलब कोई भी वीडियो उठा के देख लो, एक तो भाई गेमएक्स प्रो और एक भाई नकुल, आप सोनी मतलब आप देख रहे होगे साइड में विंडो में, मैं दिखा दूंगा भाई, ये बंदे तो भाई डेफिनेटली भाई कमेंट करते ही करते हैं, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कोई सी भी वीडियो बनाऊँ, इवन मैं शॉर्ट्स वीडियो भी बनाता हूँ ना भाई, तो उस पर भी कमेंट, मतलब सभी मतलब वैसे तो ऑलमोस्ट सारे ही करते हैं भाई, लेकिन ये तो हमारे बहुत ही ज्यादा रेगुलर मतलब व्यूअर्स है, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को ही। और भाई हमारे बहुत सारे ऐसे दो नहीं है, बाकी बहुत सारे हैं, ये तो दो भाई स्पेशल हैं इसलिए मैंने बोल दिया, बाकी दो भाई और भी लोग हैं। आप सब लोगों को भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मैं क्या ही बताऊँ, आप लोगों की वजह से मतलब अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो गाइस। अब मैं ना एक काम किया करूँ गाइस, ये ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया कि मैं एक कमेंट को ही मतलब वैसे छांट के एक से लिखे हैं यहाँ पर या दिखाएं आपको, ठीक है। तो मैंने एक सीन सोचा है, मैंने सीन क्या सोचा है
गाइस जितने भी आप लोग आर्क देख रहे हो ना, आप एक काम करना गाइस, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आता है मतलब एक दिन मतलब अल्टरनेटिव आता है, तो एक दिन आर्क आता है, दूसरे दिन माइनक्राफ्ट आता है, तो गाइस मैं सारे कमेंट्स को मतलब आर्क में लूंगा, डेफिनेटली लूंगा, एक मतलब एक कमेंट को मैं इसमें भी लूंगा। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं जो माइनक्राफ्ट खेलता हूँ गाइस, मैं उस पर एक बोर्ड बनाऊंगा, बहुत बड़ा बोर्ड, और वहां पर आपके कमेंट, जो भी मेरे को कमेंट अच्छे लगेंगे नाम के हिसाब से, मैं वहां पर साइन बोर्ड बना दूंगा आपका, मतलब एक पूरी ऐसे वॉल बनाऊंगा, पूरी की पूरी वॉल, और वहां पर गाइस मैं बहुत सारे साइन बोर्ड्स लगाऊंगा, और वो सारे साइन बोर्ड्स आपके कमेंट से भरे होंगे गाइस। तो क्या बोलते, कुछ अलग सा सीन लग रहा है ना गाइस। तो या तो आप उस वाले सीरीज को भी थोड़ा सा एंजॉय करना स्टार्ट करो गाइस, क्योंकि उसमें भी हम बहुत कुछ कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट किया तो बहुत कुछ कर रहे हैं गाइस, उसमें हमने बहुत कुछ किया गाइस, तो वहां पर भी जाके थोड़ा सा प्यार दिखाओ मुझे। तो गाइस बस आज का एपिसोड फिर हम आज इतना ही रख रहे हैं, आज कुछ ज्यादा बड़ा है ही नहीं कुछ करने को, लाइक हाँ आज हमारे पास कुछ ज्यादा करने को नहीं है, और मेरे पास सारे स्प्रिट फीचर्स भी हैं, सारे ऑलमोस्ट सभी टाइप के फीचर हैं गाइस। और आप मुझे एक बार कमेंट करोगे गाइस, आप मुझे और कौन से फीचर्स जो रह गए हैं जो मुझे टेम करने चाहिए गाइस, तो थोड़ा सा मतलब मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी जरा टेम कर लें, और आप मुझे बताओ कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ इस प्राइमल फियर में। तो हाँ गाइस, आप मेरे को बताओ गाइस, तो मैं इसमें भी वो करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आज का एपिसोड मेरा छोटा रहेगा गाइस, आई एम सो सॉरी, बट ओके गाइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट इंटरेस्टिंग था, तो लाइक आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइस लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर अभी तक यहाँ तक आपने देख ही लिया तो भाई सब्सक्राइब तो जरूर कर ही देना गाइस। ओके गाइस मिलते हैं तब तक नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप करिए वीडियो को एंजॉय।